नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। एम्यूजमेंट पार्क में वाटर राइड्स का मजा लेना सभी को पसंद होता है, लेकिन एक जगह वाटर राइड पर ही जोरदार धमाके होने लगे, जिसका वीडियो सामने आया है। मामला एक दिन पहले का बताया जा रहा है। ये घटना स्वीडन में हुई है। घटना के बाद यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया। यहाँ पर गोधेन वर्ग के लिसे वर्ग एम्यूजमेंट पार्क में एक साथ कई धमाके हुए, जिससे वहां पर मौजूद लोग काफी डर गए थे। आग किस वजह से लगी, इसका कारण अभी तक सामने नहीं आया है। वीडियो देखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा है। वीडियो में सबसे पहले राइड के बराबर में एक बिल्डिंग में जोरदार धमाका देखा जाता है, और उसके बाद वाटर राइड में ही धमाके होने लगते हैं। इससे आसमान में आग और धुआं का गुब्बारा देखने को मिला, जबकि पीछे बर्फ से ढके घर देखे जा सकते हैं। आग लगने के बाद और भी कई धमाके हुए। घटना में 4 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। फायर फाइटर व्योर्न वॉन डेर कायर ने यह कहा है कि हम जानते हैं कि अन्य चीजों के अलावा वाटर स्लाइड में भी आग लगी है, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि यह कैसे लगी। रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि अग्निशमन कर्मी आग पर काबू पाने के लिए खासा दिक्कतों का सामना कर रहे थे। स्थानीय मीडिया के अनुसार अग्निशमन विभाग ने यह चेतावनी दी थी कि आग की लपटें आसपास के घरों तक फैल सकती है। धमाकों के बाद कई घरों और ऑफिस बिल्डिंग को खाली कराया गया है। उसके अलावा पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी जहरीले धुएं से बचाने के लिए अपनी खिड़कियों के पास रहने को कहा गया था।